हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट और एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है पीडियाट्रिक नर्सिंग यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक्स नर्सिंग क्या होती है, इसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है और यह किस प्रकार से नर्सिंग फील्ड में यूज़फुल होती है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन की पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या वर्ड होता है और कहां से लिया गया है। तो पीडियाट्रिक इज़ ए ग्रीक वर्ड, यह पीडियाट्रिक्स ग्रीक वर्ड होता है, इट मीन्स चिल्ड्रन, जिसका मतलब होता है बच्चों से। पीडिया मीन्स होता है चिल्ड्रन या चाइल्ड यानी बच्चे, और आइट्रिक्स वर्ड का मीन होता है ट्रीटमेंट, और इक्स मतलब होती है ब्रांचेस या स्टडी। इसका मतलब हुआ कि पीडियाट्रिक नर्सिंग एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है चिल्ड्रन, और इसके अंदर चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट किया जाता है, स्टडी की जाती है। तो इसके बाद देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है और किस चीज़ की इसमें स्टडी की जाती है। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील्स विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड एज पीडियाट्रिक्स। यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर चिल्ड्रंस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, इसे हम पीडियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच डील्स विद द प्रोवाइड होलिस्टिक केयर टू वेल और इल चाइल्ड। यानी जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होती है वह नर्सिंग की एक ब्रांच होती है जो डील करती है होलिस्टिक केयर, वेल और इल चाइल्ड यानी होलिस्टिक केयर के बारे में। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि होलिस्टिक केयर क्या होती है और इसे किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है चिल्ड्रन को, बच्चों को। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की जिसके अंदर बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। अब हम देखते हैं होलिस्टिक केयर क्या होती है और यह किस प्रकार से चिल्ड्रन हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो होलिस्टिक केयर इज़ ए कम्प्लीट और टोटल पेशेंट केयर होती है दैट कंसिडर्स द फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द पर्सन। यानी जो होलिस्टिक केयर होती है वह कम्प्लीट और टोटल पेशेंट केयर पर डिपेंड होती है और कंसिडर्ड होती है जो फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल नीड्स की हेल्थ के बारे में प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को। पीडियाट्रिक इज़ कंसर्न्ड विद, जो पीडियाट्रिक होती हैं उसके अंदर होलिस्टिक केयर किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। इसमें सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव केयर, जैसे कि इम्यूनाइजेशन। तो होलिस्टिक केयर के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर इंडिविजुअल को किसी भी डिजीज़ के होने से पहले उसे प्रिवेंट करना, डिजीज़ से बचाना आदि शामिल किए जाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है इम्यूनाइजेशन। डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट का इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इसके बाद सेकंड है क्यूरेटिव केयर यानी ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स, यानी जो डिजीज़ हो चुकी है उसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट किया जाए, उस तरह की केयर को क्यूरेटिव केयर के अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद प्रमोटिव केयर यानी हेल्थ एजुकेशन, कि हेल्थ एजुकेशन को किस प्रकार प्रमोट किया जाए, किस प्रकार से इंडिविजुअल को अवेयर किया जाए और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है रिहैबिलिटेशन केयर, यानी पेशेंट का जो रिहैबिलिटेशन किस प्रकार से किया जाए, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड फंक्शन। जो पेशेंट को डिजीज़ हुई है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको किस प्रकार से रिस्टोरेशन किया जाए ट्रीटमेंट के बाद, और किस प्रकार से उसे वापस रिकवरी की फेज़ में लाया जाए। तो ये थी हेल्थ एजुकेशन और होलिस्टिक केयर। तो आई होप आज का वीडियो आज आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार की और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।